जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने विजयासन धाम सलकनपुर में व्यवस्था का जायजा लिया। कल रात्रि 8 बजे जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा और धर्मस्थ पीएस मनोज श्रीवास्तव ने प्रसिद्ध देवी धाम सलकनपुर में लगने वाले शारदीय नवरात्रि मेले की व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं मंदिर और नर्मदा घाट की जानकारी कलेक्टर अजय गुप्ता और SP शिशिर चौहान ने विस्तार से बताई व पूर्ण जानकारियां दी, जिससे मंत्री संतुष्ट हुए और निर्देश भी दिए जहां पद यात्रियों के लिए लाइट व पानी की व्यवस्था नहीं है उसे कराई जाए। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि सलकनपुर में पद यात्रियों के लिए धर्मशाला की घोषणा की जो गरीबों को फ्री रहेगी। वहीं पत्रकारों के लिए श्रद्धा निधि को अब सम्मान निधि कहा जाएगा और साथ ही दी जाने वाली राशि 7,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए की गई है। नसरुल्लागंज से संतोष मीणा की रिपोर्ट, आज की आवाज। कमलनाथ जी ने कल ही बीमा राशि पत्रकारों की और जितनी पहले देते थे लास्ट ईयर तक उतनी ही लगेगी और 27 तारीख मतलब कल तक इसकी डेट है, वो आगे इसलिए नहीं बढ़ सकती क्योंकि 3 अक्टूबर के बाद ये नया एग्रीमेंट हो जाएगा, उसकी फॉर्मेलिटी करने में टाइम लगता है, वो हमने बात की थी इंश्योरेंस कंपनी से, लेकिन वो संभव नहीं है इसलिए लोग भरे। बाकी और कोई दिक्कत आएगी दूर कराएंगे। हमारा जनसंपर्क विभाग मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के आदेश पे हर आपकी जो मांगे हैं उसकी पूर्ति करता जा रहा है। और जो श्रद्धा निधि होती थी पहले 7,000, उसको 10,000 कर रहे हैं और कल ही मेरे ख्याल आजकल में बैठे होके जो लोग उसमें आते हैं उसका नाम भी बदल दिया है सम्मान निधि। और जब आपका इंश्योरेंस हो गया है, मुझे उम्मीद है कि सब यहाँ ठीक जो चलेगा हम लोग भी इंश्योर्ड रहेंगे कि दिखाते रहोगे कि सब मंगल मंगल है। सर, पत्रकार सुरक्षा कानून कब तक लागू हो जाएगा? पत्रकार सुरक्षा कानून कब तक लागू हो जाएगा? पूरा सुरक्षित है, SP साहब, कलेक्टर साहब सब बैठे हुए हैं, पूरी तरह सुरक्षित है।